गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस को हार्दिक पटेल के खिलाफ आदेश दिया है कि वो सूरत में क्रांति रैली के दौरान दिए गए हार्दिक पटेल के भाषण की जांच करें और अगर पहली नजर में हार्दिक पटेल दोषी लगे तो उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले में केस दर्ज कर दिया जाए। यहां पर हाईकोर्ट हार्दिक पटेल पर सख्त होते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है पुलिस को कि क्रांति रैली के दौरान हार्दिक पटेल ने जो भाषण दिया था उस भाषण की पूरी जांच हो और अगर पहली नजर में इस भाषण को देखकर ऐसा लगता है या गलत लगता है तो उसमें देशद्रोह को लेकर मुकदमा चलाया जाए, उस पर देशद्रोह को लेकर केस दर्ज हो। हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त जुड़ गई है। गोपी, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है और हमें तफसील से बताएं। जी मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने ये साफ तौर पर पुलिस को गाइडलाइन दी है कि वो पूरे भाषण जो हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में क्रांति रैली के दौरान 25 अगस्त को दिया था उसकी पूरी जांच की जाए। एक पीआईएल फाइल की गई थी नरेंद्र गढ़ी नाम के एक शख्स के जरिए। उनका कहना था कि जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने ये भाषण दिया था उसके बाद ही जो गुजरात में हिंसा भड़की थी तो हार्दिक पटेल ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे और उसी तर्ज पर उनपे राजद्रोह का केस दायर किया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने ये पुलिस को अब गाइडलाइन दी है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे और अगर हार्दिक पटेल दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मामला दर्ज करे। शुक्रिया गोपी आपका इस जानकारी के लिए।